two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो अगर आप यहाँ पे Redmi Note 11 के यूज़र हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे MIUI 13 के न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया में MIUI 13 का न्यू अपडेट लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ हो चुका है। MIUI 14 का अपडेट कब तक आएगा, एंड्रॉयड 13 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस वाली वीडियो में आपको एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे Redmi Note 11 के लिए इंडिया स्टेबल में 13.0.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट MI पायलट टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट का साइज केवल 74 MB हमें यहाँ पे प्रीवियस वर्जन से देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ इस अपडेट में आपको जनवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे इसको MIUI 13 तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ही था। एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 में इसको एक मेजर एंड्रॉयड का अपग्रेड ही मिला है। इसको अभी तक मेजर MIUI का अपग्रेड अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं MIUI 14 की। तो ये वाला जो अपडेट 13.0.4.0 का है, ये यहाँ पे बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज़ हो चुका है और अब इस वाले अपडेट को पब्लिक में भी बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं MIUI 14 की और Android 13 की। तो Android 13 MIUI 14 साथ में Redmi Note 11 के लिए रिलीज़ किए जाएंगे और ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी हम सभी को देखने के लिए मिल जाती है। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कीजिए आपके डिवाइस के लिए Redmi Note 11 के लिए MIUI 14 Android 13 का स्टेबल अपडेट इंटरनल बीटा टेस्टिंग में आ चुका है और वो ग्लोबल स्टेबल के लिए मार्च से अप्रैल के महीने में रिलीज़ किया जा सकता है और अप्रैल के बाद आपको वो मई से जून के महीने तक इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको Redmi Note 11 सीरीज़ में MIUI 14 Android 13 के स्टेबल अपडेट्स क्वार्टर 2 में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अप्रैल के जून से महीने तक। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कीजिए आपके डिवाइस के लिए भी MIUI 14 Android 13 का स्टेबल अपडेट रिलीज़ किया जाएगा और Android 13 Redmi Note 11 के लिए 100% कंफर्म भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसके लिए Redmi Note 10 जैसा कोई भी स्पैम नहीं किया जाएगा। Redmi Note 10 में MIUI 14 Android 12 पर ही रिलीज़ किया गया, लेकिन Redmi Note 11 में Android 13 देखने के लिए मिलेगा और ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।